हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी लाइफ एट आईएससी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएससी के इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आईएससी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। जेम 21 भी हो गया है, तो आई होप कि आप सबका जेम काफी अच्छा गया होगा और आप में से काफी लोग आईएससी में आ रहे हो। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी न्यूकमर्स। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यार, मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि मेरे चैनल पे काफी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, अभी तो आप लोगों ने बिल्कुल से सब्सक्राइब ही बंद कर दिया। ये क्या बात हुई यार। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के बारे में, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का फर्स्ट 2 ईयर जो होता है वो कोर्स वर्क में जाता है, जिसमें स्टूडेंट को 64 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं। और फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें सारे कोर्सेस कंपलसरी होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको आपका जो इंटीग्रेटेड पीएचडी का कन्वीनर होगा वो आपको बोलेंगे कि आप एक सुपरवाइजर चूज करिए। तो आप जितने भी केमिकल साइंस, चूंकि मैं केमिकल साइंस से हूँ तो मैं केमिकल साइंस के बारे में ही बता रहा हूँ, तो केमिकल साइंस डिवीजन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, केमिकल साइंस डिवीजन के अंडर 5 डिपार्टमेंट आते हैं, तो वो पांचों डिपार्टमेंट में से आपको एक सुपरवाइजर चूज करना पड़ेगा। और उसमें भी एक रूल है कि अगर किसी सुपरवाइजर के पास 2 स्टूडेंट चले जाते हैं, तो जो स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में ग्रेड ज़्यादा होगा वो सुपरवाइजर उस स्टूडेंट को ही लेगा। तो आप अपना जो मास्टर का प्रोजेक्ट है उसी सुपरवाइजर के अंडर कंप्लीट करोगे जो आपने चूज किया है। तो सेकेंड ईयर में कोर्स वर्क के साथ साथ आपको आपका मास्टर प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा, लैब वर्क भी करना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर के एंड में आपको आपका एक एमएस प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी कन्वीनर के पास। और जो 2 साल का आपका कोर्स वर्क है उसमें एक रूल है कि आपको आउट ऑफ 10 7 पॉइंटर लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आईएससी आपको टर्मिनेट कर देगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईएससी में आ रहे हैं, क्योंकि गेटिंग दो 7 पॉइंटर इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्सेज होते हैं वो ऐसे प्लान किए जाते हैं कि हमको सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज हो जाए, पर आईएससी का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कोर्सेज ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट का माइंड जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड हो, तो यहाँ पे कोर्स वर्क थोड़ा टफ होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जहाँ पे ओपन नोटबुक एग्जाम होता है। मुझे याद है जब मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी शायद 2nd सेमेस्टर में था, एक कोर्स है प्रोफेसर ईडी जेमिस, वो पद्मश्री प्रोफेसर है, उनके एग्जाम में हम लोग सुबह 10 बजे जाते थे और शाम को 7 बजे तक बैठ करके एग्जाम कर रहे हैं। बीच में लंच के लिए चले गए, कॉफ़ी के लिए चले गए, और सारा ओपन नोटबुक था। आप मतलब पूरा नोटबुक खोल लो, जो भी बुक्स है उसको खोल लो, तो उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम होता था हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, कोर्स वर्क को बहुत ही सीरियसली लेना है आपको। फिर सेकेंड ईयर के एंड में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना होगा, और उस एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो आपके एमएस प्रोजेक्ट और जो भी आपने कोर्सेज 2 साल में किए हैं उसके बेसिस पे पूछे जाएंगे। और वो एग्जाम का पर्पज ये है कि वो आपको जज करेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी और नॉट। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम पास करने के बाद आपकी एंट्री पीएचडी में होती है, और पीएचडी में जाने के बाद आपके सुपरवाइजर आपको कोई रिसर्च टॉपिक बताएंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो है जो मास्टर प्रोजेक्ट करते हैं वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपने रिसर्च में भी, पर ये डिपेंड करता है लैब टू लैब। कभी कभी मास्टर प्रोजेक्ट के अलावा भी कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पीएचडी फर्स्ट ईयर में जाते हैं उनको मेरा एक एडवाइस रहेगा कि कोई भी लैब में काम स्टार्ट करने से पहले, आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट करने से पहले, आपके लैब में जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आपके लैब के जितने सीनियर लोग हैं उनसे वो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए, अच्छे से वो इक्विपमेंट को सीख लीजिए, और आपका जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारे रिव्यू आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, उसको पढ़िए और अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी करिए कि क्या काम हो चुका है और क्या करना बाकी है। फिर वहाँ से अगर आप काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हो तो फिर आपके माइंड में ये बात आने लगेगी कि हाँ, अभी मेरे टॉपिक पे ये सारा काम हो चुका है, मुझे ये करना चाहिए,
तो फिर वो आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन करके फाइनल अपना पीएचडी का गोल बनाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट में जा करके मुझे कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार।